your name? What are you eating? Where are you going? Where do you stay? How old are you? तुम कितने साल के हो? What is the name of your school? तुम्हारे स्कूल का नाम क्या है? How old are you? फिर where are you staying? What do you like to eat? तुम्हें क्या खाना पसंद है? तो ये बहुत सारे questions हैं. ठीक है? Have you done your homework? तुमने अपना homework कर लिया है? Okay. Are you going to sleep? सोने जा रहे हो तुम? तो ये सारे questions हैं. हम पूछते हैं और इसके पीछे हम बताते हैं always question mark. देखो मैंने ये सारे क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क्स कर रहा है. ओके, तो मैं आपको चैप्टर 3 क्वेश्चन पढ़ाऊंगी. मीना इज अ गर्ल इन क्लास 3. मीना नाम की लड़की वो क्लास 3 में है और वो चाहती है रिचा उसकी फ्रेंड बन जाए. तो उन दोनों में क्या कन्वर्सेशन होता है वो मैं बता रही हूँ. हेलो, व्हाट इज योर नेम? तो एक लड़की ने दूसरी फ्रेंड को पूछा व्हाट इज योर नेम. अगर हम किसी से मेंशन करते हैं तो ऑब्वियसली हम उसको नाम पूछे कि तुम्हारा नाम क्या है. तो ये हो गया क्वेश्चन. अब जब मैंने किसी को पूछा व्हाट इज योर नेम तो सामने वाला मुझे नाम बताएगा हाय आई एम मीना, मैं मीना हूँ. सेकंड, तुमने पूछा उसे क्वेश्चन विल यू बी माय फ्रेंड, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? तो वो कहेगी यस आई विल. ये हो गया क्वेश्चन. एक ने क्वेश्चन बोला, दूसरे ने उसको आंसर दिया. ओके, अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ क्वेश्चन में व्हाट हू वेयर हाउ व्हिच आता है. जैसे व्हाट इज योर नेम मैंने बताया, हु आर यू तुम कौन हो, वेयर आर यू गोइंग कहाँ जा रहे हो, हाउ मैंने तुम कितने साल के हो, विच कौन सा घर है तुम्हारा, विच इज योर हाउस इसमें कौन सा तुम्हारा घर है. तो ये सारे वर्ड्स हम यूज करते हैं वो हम क्वेश्चन के लिए यूज करते हैं. ओके, अब यहाँ पे है एक्सरसाइज ए, हु आर यू. यहाँ पर ये जो पिंक वाला है इसमें ये एक्सरसाइज का मैं आपको बता रही हूँ. यहाँ पे ये लड़की इसको क्वेश्चन पूछती है हु आर यू, तो वहां पर वो बोलती है आई एम मीका. सेकेंड में वो बोल रही है व्हाट इज योर नेम, तो वो बता रही है माय नेम इज सुहानी. थर्ड में वेयर आर यू, वेयर डू स्टे, तो वो बोलती है आई स्टे इन मोतीनगर. हाउ डू यू कम टू स्कूल, तो वो बोलती है आई कम टू स्कूल बाय द स्कूल बस. तो ये दोनों फ्रेंड्स में कन्वर्सेशन हो रहा है एंड दे आर आस्किंग क्वेश्चन. वन इज आस्किंग क्वेश्चन एंड अदर इज आंसरिंग द आंसर्स टू ईच एंड एवरी क्वेश्चन. ओके, और यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि समटाइम्स वी कैन फॉर्म क्वेश्चन एंड मेकिंग सम चेंजेस. कभी कभी हमें क्वेश्चन बनाने के लिए हमें चेंजेस करनी पड़ती है. अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन ये है हु आर यू, व्हाट इज योर नेम, हु आर यू यानी तुम कौन हो, व्हाट इज योर नेम तुम्हारा नाम क्या है, वेयर डू यू स्टे यानी तुम कहाँ रहते हो. तो ये क्या हो गए क्वेश्चन वर्ड्स और इसके पीछे हमने यहाँ क्या लगाया क्वेश्चन मार्क. हाउ डू यू कम टू स्कूल यानी तुम स्कूल कैसे आते हो, तो मतलब आई कम टू स्कूल बाय वॉकिंग, मैं स्कूल चल के आता हूँ बाय बस बाय वैन बाय ऑटो, ये तुम्हारा हो गया बाय साइकिलिंग. ओके, अब वहां पर एक्सरसाइज बी है ज्योति बिल सिंह. तो ये जो है एक्सरसाइज इसमें क्या लिखा है, पर ये एक्सरसाइज बी को ध्यान से देखना. मेक द क्वेश्चन फॉलोइंग सेंटेंस चेंजिंग द पोजीशन ऑफ वर्ड्स. जो वर्ड्स प्रिंटेड इन बोल्ड है उन क्वेश्चन मार्क कहते हैं. जो बोल्ड में क्वेश्चन है उसको हमको पहले लिखना स्टार्ट करना है. जैसे यहाँ पे देखो ज्योति बिल सिंह, तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत बोल्ड यानी बहुत डार्क लिखा है. ओके, ये बहुत डार्क लिखा है
देखिए ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज बी का. ओके चिल्ड्रन, देखो यहाँ पर ये दिया है क्वेश्चन, इसमें आपको देख के समझना है. ओके, ज्योति विल सिंह लिखा है तो आपको इसको लिख दो कि विल ज्योति सिंह. सेकंड, द स्कूल इज क्लोज, तो जो बोल्ड है जो डार्क कलर में लिखा है उसको पहले लिखना है, इज द स्कूल क्लोज. थर्ड वाले में वॉज इट रेनिंग इन द मॉर्निंग, सब में क्वेश्चन मार्क डालना है. अब वॉज द पपी हंग्री. फाइव नंबर में देखो, इज अवनीस हैंड राइटिंग वेरी टाइडी. सिक्स वाले में देखो, सबसे पहले वॉज आता है. ओके, तो वॉज वाले में पहले आप वॉज लिखोगे, वॉज मोहन हैप्पी. सेवन वाले में आप लिखोगे, इज राहुल ए गुड बॉय. एट नंबर में, वेयर द बॉय इज हैप्पी, तो जो सबसे बोल्ड है लिखा है उसको हमें आगे लाके लिखना है, बाकी के सेंटेंस पीछे आएंगे. अब देखो यहां पर है ये, मैं आपको बताती हूँ सिक्स नंबर का. ओके, इज मीता लेट फॉर स्कूल, विल दे रिटर्न टूडे, इज वानी हर फ्रेंड, तानिया इज ए गुड डांसर. तो इसको क्वेश्चन में हम कैसे बदलेंगे, इज तानिया ए गुड डांसर, वॉज शी प्लेइंग विथ विहान, और लास्ट वाला है वेयर दे प्रैक्टिसिंग फॉर द टेस्ट. ओके, तो इस तरह से जो डार्क लेटर्स है वो फर्स्ट आएगा और फिर पीछे सेंटेंस आएंगे और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क डालेंगे, तो ये बन गया हमारा क्वेश्चन फॉर्म में. अब देखो एक्सरसाइज सी है, इसमें हम कैसे कर रहे हैं, वॉट आर यू डूइंग हियर, हु इज टॉकिंग इन द क्लास, कौन क्लास में बात कर रहा है, हाउ आर यू, कैसे हो तुम, उसके बाद है हाउ, वेयर आर यू स्टेइंग गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, वाई डिड यू कम लेट टू स्कूल, तुम स्कूल लेट क्यों आए. तो ये सारे क्वेश्चंस इस तरह से हम पूछते हैं और करते हैं. आई होप आपको समझ में आया होगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन अगेन आपको मैं समझाना चाहती हूँ, क्वेश्चंस जो होते हैं वो सेंटेंस होते हैं, दैट आर समथिंग. क्वेश्चंस का मतलब क्या होता है, हम किसी को कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं. ओके, और उसके एंड में आएगा क्वेश्चन मार्क. ओके, अगेन आई एम टेलिंग यू, जैसे व्हाट इज योर नेम, वेयर डू यू स्टे, हाउ आर यू, Have you fever? Are you having fever? क्या तुम्हें बुखार है? Will you play with me? Can you give me your pencil? तो ये सारे क्वेश्चन पूछते हैं. Okay? Can you help me? क्या मेरी मदद करोगे? I can come with you? Can I come with you? तो ये सारे हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं और सामने वाले के मीनिंग में से कि वो आंसर क्या देता है, तो वो हो गया आंसर. पर जब हम जो पूछ रहे हैं वो होता है क्वेश्चन और उसके एंड में आएगा क्वेश्चन मार्क. ओके, और वर्ड्स कौन से वर्ड्स होते हैं जो क्वेश्चन जिनसे बनते हैं, WHAT, HOW, how, WHO, WHI, where and why. Okay, why are you late? तुम late क्यों आए स्कूल में? Okay, was he playing? क्या वो खेल रहा है? Okay, ये question होते हैं. और what are you doing here? क्या कर रहे हो तुम यहाँ? मामा पूछती है ना? Okay, who is talking in the class? Class में जो मैडम आपको पढ़ाती है, तो आपने note किया होगा कि मैडम आपको पूछती है कि who is talking in the class? जैसे अगर मैडम क्लास में आती है और वो आपको बोलती है प्लीज मेंटेन पिन ड्रॉप साइलेंस, उसके बाद भी कुछ बच्चे बातें करते हैं, तो मैडम का ये क्वेश्चन है हू इज टॉकिंग इन द क्लास, कौन बात कर रहा है, तो ये उससे क्वेश्चन पूछा मैडम ने. ओके, हाउ आर यू, अगर हम किसी से मिलते हैं तो हम उससे ये क्वेश्चन पूछते हैं, हाउ आर यू, तुम कैसे हो, और वेयर आर यू गोइंग, कहाँ जा रहे हो तुम, ये मम्मा आपको हमेशा पूछती है वेयर आर यू गोइंग, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, ऐसा करते हैं. व्हाई आर यू, व्हाई डिड यू कम लेट टू द क्लास, क्लास में तुम लेट क्यों आए, व्हाट इज द रीजन, ये भी हो गया क्वेश्चन. तो ये सारे जो हम क्वेश्चन पूछते हैं इसे हम बोलते हैं क्वेश्चन. ओके, आई होप आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी लेसन में, कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा, आपको समझ में आएगा. पर एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज करती हूँ, will Jyoti sing.
मैंने आपको लेक्चर में समझा दिया क्वेश्चन क्या होते हो, और अब आपको क्या करना है, लेसन को खाली रीड करना, सब अपनी रीडिंग प्रैक्टिस कंटिन्यू रखना, इसको रीड करना, और जब ये वीडियो आपके पास आएगा ग्रामर का चैप्टर 3 थर्ड स्टैंडर्ड क्वेश्चन का, तो ये आपको जब वीडियो आएगा उसके एक ही दो दिन में आपको ये होमवर्क आएगा। तो ये सारी जो मैंने आपको टेस्ट बुक से अपनी बुक से एक्सरसाइज सिखाई, ये बुक की एक्सरसाइज आपको जब आएगी होमवर्क में तो आपको ईजी ये होमवर्क दिखेगा, और तब आप लोग ये टेस्ट बुक में एक्सरसाइज कर लोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे क्वेश्चन बनता है। और आपकी बुक में आपको जो बोल्ड लेटर